जय हिंद दोस्तों। एसबीआई ने भर्ती निकाली हुई है, 12,000 से भी 1,200 से ऊपर भी पद हैं। तो इस नोटिफिकेशन में क्या है, पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। उससे पहले बता दें कि हर एक स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, और एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन एसबीआई सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी आई हुई है, उसका मैंने वीडियो बनाया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देख लें। एसबीआई गार्ड की, तो वो उसमें केवल एक सर्विसमैन ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सभी कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो ये नोटिफिकेशन है। तो शुरू करें तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा 9/12/2021 से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। 29/12/2021 29 दिसंबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कॉल लेटर आएगा, ऑनलाइन ही कॉल लेटर निकलेगा। 12 जनवरी तक कॉल लेटर आ सकता है। टेस्ट होगा जनवरी में होगा, ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो जनवरी में होगा। बैंक में जो फीस जमा होगी ऑनलाइन ही जमा होगी। फीस किसको किसको देनी है वो आगे बताएंगे। फीस का सबको फीस नहीं पेड करनी है, जनरल को करनी है। आगे दिखाते हैं किसको किसको फीस पेड करनी है। सबसे पहले वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं। जो रेगुलर वैकेंसी निकलती है उसकी रेगुलर वैकेंसी है 1100 पद पर। 1100 वैकेंसी है रेगुलर वाली, जिसमें अहमदाबाद गुजरात के लोग गुजरात में है, बेंगलुरु में है, भोपाल में है, मध्य प्रदेश के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और चंडीगढ़ के लोग, कर्नाटक के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, चेन्नई तमिलनाडु में और जयपुर में। ये ध्यान रखें, ये लोकेशन है, जॉब लोकेशन, कहीं के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। एसबीआई गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होती है, तो ध्यान रखें। बस एक चीज ध्यान रखें, आपको उधर की लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप गुजरात के हैं तो गुजराती नॉलेज होना चाहिए, आप कहीं के हैं अप्लाई कर सकते हैं। कर्नाटक के हैं तो कर्नाटका लैंग्वेज कन्नड़ आपको आनी चाहिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चंडीगढ़ में अप्लाई कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो हिंदी का नॉलेज होना चाहिए। तमिलनाडु के लोग हैं तो तमिलनाडु में अप्लाई कर रहे हैं, तमिल का नॉलेज होना चाहिए। और राजस्थान के हैं तो हिंदी चलती है वहां, तो हिंदी का नॉलेज होना चाहिए आपको, बोलने हिंदी आनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एससी के लिए 158 पोस्ट है, एसटी के लिए 107 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 272 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 110 पोस्ट, और जनरल कास्ट के लिए 453 पोस्ट है। जनरल में ही कहीं के लोग अप्लाई कर लेंगे, तो जनरल में तो अप्लाई कर ही सकते हैं। टोटल वैकेंसी 1100, ये रेगुलर वैकेंसी है। आगे जो ब्लॉकिंग वैकेंसी थी, बैक लॉकिंग वैकेंसी, वो भी दिखा देते हैं। उसमें जनरल की वैकेंसी तो फुल हो गई थी, लेकिन एससी एसटी ओबीसी की वैकेंसी बची हुई थी, वो भी इसमें ऐड कर दी गई है। तो वो लोकेशन, जॉब लोकेशन सेम रहेगी, हालांकि सभी अप्लाई कर सकते हैं। 13 वैकेंसी एसटी की है, 52 वैकेंसी एसटी की है, और 61 वैकेंसी ओबीसी की है। टोटल 126 इसमें ऐड हो जाएगी, तो 1226 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात कर ले, तो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एजुकेशन चाहिए आपको, ग्रेजुएशन होना चाहिए, मात्र ग्रेजुएशन मांगा गया है किसी भी यूनिवर्सिटी से। ध्यान रखें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड करती है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो आप अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन होना जरूरी है। इसमें एक्स सर्विसमैन की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी मान्य है, और एक्स सर्विसमैन का जो मैंने एसबीआई गार्ड का वीडियो बनाया है, उसका मैं लिंक आई बटन में आपको दे दूंगा। आई बटन के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एज लिमिट क्या है। एज लिमिट 1/12/2021 को आपकी एज होनी चाहिए 21 ईयर्स से 30 साल के बीच में। 1/12/2021 को एज 21 से 30 ईयर होनी चाहिए। और इसमें एक चीज और दिया है कि एज रिलैक्सेशन है, वो एज रिलैक्सेशन एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, डिसेबल पर्सन को 15, 13, 10 साल, और एक्स सर्विसमैन को 5 साल एज रिलैक्सेशन है। वैकेंसी स्टेट वाइज दी गई है, तो जिस स्टेट के हैं आप उसमें अप्लाई कर लें। इसके बाद जो सर्कल दिया है, आप सर्कल को देख के अप्लाई करें। इसके बाद नेक्स्ट अभी हम देख लेते हैं कि इसमें
बाकी क्या रिक्वायरमेंट है, बाकी क्या होना जरूरी है। तो सबसे पहले पहले ही बता दिया, लोकल लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए। आप अप्लाई कर रहे हैं जिस स्टेट में, उसकी लोकल लैंग्वेज को आपका अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, बातचीत करना ही आनी चाहिए। रिजर्वेशन डिसेबल पर्सन का 4% है, तो जो भी डिसेबल पर्सन अप्लाई करे उनका 4% रिजर्वेशन है। अभी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तो कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, इसमें कोड दिया है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो कोड दिया है हर एक कैटेगरी का। एससी को 01 नंबर कोड डालना है, एससी एलडी को 2 नंबर डालना है, 02 सबका दिया हुआ है। जनरल में, जनरल के हैं तो आपको ऐसे ये कोड डालने हैं। ये कोड आप जिस कोड के अंतर्गत आते हैं, जिस कास्ट के अंतर्गत, उसके कोड ही उसमें आपको भरने हैं फॉर्म में। ऑनलाइन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट, वो आपका सिलेक्शन में वही काम आएगा। 120 मार्क का रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, सिलेक्शन उसी के आधार पे होगा, ध्यान रखें। ये आपके मार्क रहेंगे और ये सब्जेक्ट रहेंगे जो उनका टेस्ट होगा। तो ये सब्जेक्ट आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 120 मार्क का होगा, 2 घंटे का समय रहेगा। रॉन्ग आंसर का पेनाल्टी मार्क नहीं है, बिल्कुल क्लियर दिया है, नो पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। आपने गलत भी किया उसका कोई पेनाल्टी, निगेटिव मार्किंग नहीं है। इंटरव्यू बाद में होगा, रिटर्न के बाद आप शॉर्ट लिस्ट कर दिए जाएंगे, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट, ऑनलाइन रिटर्न और इंटरव्यू की फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर आप अपनी इच्छा अनुसार भर सकते हैं। हर एक स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं, आगे मैं दिखाऊंगा कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर है। सैलरी की बात कर ले तो बेसिक पे आपका 36,000 से स्टार्ट होगा, बेसिक पे 36,000 से स्टार्ट होगा और ग्रेड 1 की सैलरी मिलेगी। तो मिनिमम बेसिक पे 36,000 काफी होता है, 36,000 तो ये 36,000 से स्टार्ट होगा। इसके बाद कोई भी आपको हार्ड कॉपी बाय पोस्ट नहीं सेंड भेजनी है, ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा, ध्यान रखें। इसके बाद जो फीस देनी है, तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को कोई फीस नहीं देनी है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को ₹750 फीस पेड करनी है, ध्यान रखें। इसके बाद कैसे अप्लाई करना है उसके लिए बता देते हैं, 9/12/2021 से 29/12/2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका वैलिड होना चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पे आपका उसमें सारा डिटेल आपका आता रहेगा। तो ये ऑनलाइन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, इस नोटिफिकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। फॉर्म अप्लाई करते समय आप वो लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा, डायरेक्ट आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जामिनेशन सेंटर ये हर एक स्टेट में दिए हुए हैं, आप जिस स्टेट के हैं वो स्टेट का एग्जामिनेशन सेंटर डालना है। ये कोड दिया है, ये कोड डालने होते हैं, ना कि एग्जामिनेशन सेंटर का नाम। तो ये कोड भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको कोड मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई गुवाहाटी आसाम का है तो उसके लिए कोड होगा 31 कोड डालना है आप एग्जामिनेशन सेंटर जब डालेंगे। पणजी गोवा का है कोई तो 35 रहेगा। इसके बाद बेंगलुरु का है तो 41 रहेगा। इसके बाद शिमला का है तो 38 रहेगा। तो ये कोड आपके अलग अलग जगह के हैं। उत्तर प्रदेश का कोई है तो उसका कोड अलग रहेगा, उसका बता देते हैं। उसका उत्तर प्रदेश का है तो उसका 42 रहेगा उत्तर प्रदेश का। केरला का है तो 25 रहेगा, ऐसे लद्दाख का 26। तो अलग अलग कोड दिए हैं, वो आप कोड उसी हिसाब से भर लेना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो मिलने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद।